मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 26वां अध्याय उसका 17वां वचन हम पढ़ें। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। हर मनुष्य के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि जितना भी ज्ञान पाया जा सके या कोई भी बात बेशक वो हमसे संबंध नहीं रखती है तो भी हमें वो बातों को जानना है। और अपने हृदय की इस तमन्ना को पूरी करने के लिए कहीं से भी कुछ भी बात हो, हम उस बात को जानना चाहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें अपने जीवन में इस विषय में अनुशासन होना अति आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर का वचन इधर साफ साफ हमें कहता है, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता हो, यानी जो काम से हमें कोई लेना देना नहीं है, उन बातों में हम दखल ना डालें। एक अच्छी बात है कि हम दूसरों को मदद करना हम चाहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से वो ज्ञान पाना आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति को हम हैंडल कर सकें। नहीं है तो हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम करेंगे जो हमारा कीमती समय बर्बाद करेगा और हमारे जीवन में अशांति लाएगा। हमारे आसपास हम अपने देश में देखते हैं, गलियों में कुत्ते घूम रहे होते हैं, वो हमें तंग नहीं करते। अगर हम उन्हें परेशान करने ना जाएं तो वो भी हमें तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उनके कान पकड़ने जाएं और फिर वो जब हमें काटे तो फिर बुड़बुड़ाना भी नहीं है। और फिर हमने कुत्ते को दोष नहीं देना है जब वो हमें काटे। इसी तरह हम जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, हमने उस बात को ध्यान देना है। हम जब अपने आसपास देखते हैं, हम लोगों के जीवनों को देखते हैं जो पाप के कारण कलंकित है। मनुष्य अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं का गुलाम है और दूसरों को अपने अधीन करना चाहता है। जो कोई पाप का गुलाम है, जो अपने आप को अपने जीवन का प्रभु समझता है, ऐसे व्यक्तियों की सोच बहुत समस्याएं खड़ी करती है। हमने ध्यान देना कि हम अपने बातों से किसी व्यक्ति की सोच को बदल नहीं सकते। कुछ समय तक प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में काम ना करे, वो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं समझेगा और ना ही शांति के लिए प्रयास करेगा। सो इसलिए हमने ध्यान रखना है कि हमने फालतू के झगड़ों में नहीं घुसना है। ये सोचते हुए ना जाए कि हम कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। परमेश्वर ने जो हमें सौंपी हुई बात के अंदर रहना ही हमारे लिए सबसे उचित है। आसपास के सिरदर्दियां इकट्ठे करने से कोई लाभ नहीं है। हमारा दुश्मन प्रयास करेगा कि हमारा कीमती टाइम बर्बाद हो और परमेश्वर के साथ का संबंध हमारा ढीला पड़ जाए। दूसरे जब समस्याओं में से गुजरते हैं, उनकी मदद करनी सही बात है, लेकिन हमने ऐसी बातों में उलझना नहीं है जिससे कोई लाभ नहीं होगा। हम दूसरों की आजादी में दखल ना डालें। हमारा स्वर्गीय पिता भी इंसान की आजादी में दखल नहीं डालता। इधर हम परमेश्वर की महानता को देखते हैं, लेकिन हम मनुष्य हम दूसरों की समस्या में घुसते हैं ये सोचते हुए कि हमारे पास सब समस्याओं का समाधान है। सच्चाई में क्या है? हम दूसरों को जो सलाह देते हैं वो हमारे सीमित ज्ञान से है और उससे समस्या और खराब होती है। और परमेश्वर उसके परिणाम हमें भुगतने को देता भी है क्योंकि हम उससे सीखें और ज्ञानी बने और नम्र हो जाएं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमें समझदार होना है ताकि हम भलाई और बुराई के बीच के फर्क को समझें, अपनी गलतियों से हम सीखें। परमेश्वर के साथ के संबंध को भंग करने वाली बातों से हम सीखें। हम अपने आप को समझदार ना समझें,
अपनी खूबियों पर आश्रित ना हो कि हमारे पास बल और ज्ञान है और हमारे हम हर समस्या का हल कर पाएंगे। आज के दिन हम लोगों को देखते हैं, परमेश्वर के दासों को देखते हैं, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है और वो लोगों के हर बातों में दखल डालकर उनको अपना गुलाम बनाते हैं। लोगों को परमेश्वर पर आश्रित करने के बजाय उन्हें अपने अधीन कर लेते हैं। ज्यादातर ये अधीनता की उपदेश सिखाते हैं, लोगों की परिस्थितियों का नजायज फायदा उठाते हैं और फिर उनके ऊपर प्रभुता करते हैं। और परमेश्वर कई बार ऐसे होने देता है ताकि इंसान समझ ले उसकी सीमा कितनी है, परमेश्वर का ज्ञान कितना गहरा है। परमेश्वर ने मूसा को एक सबक सिखाया कि कैसे उसने लोगों को चलाना है। सो आइए परमेश्वर हमें जो सबक सिखाता है उसमें हम सीखें और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें। हम सिर्फ सुनने वाले ना हो और गलती को बार बार करने वाले ना बने। हम प्रभु से ज्ञान मांगे, हर परिस्थिति के लिए समझ मांगे। हम किसी को दोष ना दें और ये ना करें, प्रयास करें कि हम निर्दोष हैं वो दिखाने के लिए दूसरों पर दोष ना डालें। हम गलत फैसले लेते हैं, उससे फिर हम बच भी नहीं सकते। आइए हम अपने गलतियों से सीखें और प्रभु के और करीब आए। हम दुनिया को बदल तो नहीं सकते, लेकिन क्या हम दुनिया के सामने नमूना दे सकते हैं? अपने प्रभु के और नजदीक चिपके रहें और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें और हम ऐसे काम करें जिससे हम प्रभु के और करीब आए और समझदार हों और हमारा कीमती टाइम बर्बाद ना हो। शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए प्रभु से ज्ञान मांगे, प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। प्रभु हमने बहुत गलतियां की, कई बार हमें लगा कि हम समझदार हैं, हम में ताकत है, हम में खूबियां हैं, और प्रभु हमने बहुत कीमती समय बर्बाद किया है। प्रभु विनती करते इन दिनों में आपसे ज्ञान पाकर और समझदार बनकर प्रभु अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हमें मदद कर। प्रभु एक सही विश्वासी होकर जब हम आपके शरीर के अंग हैं, हम दूसरों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, हमें कर्तव्य है। प्रभु हमें ज्ञान दे ताकि हमें जो करना है वो बात को हम समझ कर करें। आपकी आशीष मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना।